देखिए चिकन भुंजा गया, मसाला डाल दिए हैं, मसाला भुन जाएगा अच्छे से, कलर लेके अच्छा उठा है। चिकन का कलर देखिए, लाइव लाइव चिकन का कलर है, ये कैसे खोल रहा है। और इसको रिसू खाएगा लेग पीस के साथ, ये रहा लेग पीस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और अभी सुबह के टाइम है और घर का काम लेके रिजर्व कर रहे हैं और हम लोग अभी भी सो के उठे हैं, इसलिए देखिए चेहरा भी ऐसा लग रहा है अभी, और आज छुट्टी है तो घर में ही है। देखिए रीना जी सुबह फ्रेश होने के बाद, काम करने के बाद घर में अभी पूजा कर रहे हैं। देखिए बालकोनी है, इसी में कर रहे हैं। बालकोनी है? हाँ मतलब बालकोनी नहीं है, छोटा सा रूम ही है, समझ सही का नहीं का रूम। कुछ गाइए भगवान को, आरती उरती गाइए, भगवान को सुख लिए पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला के। सारी घंटी बजा देंगे, हो गया। अच्छा लग रहा, मन में पूजा हो रहा है। बाहर बाहर तुलसी की पूजा कर रहे हैं, बाहर पूजा करेंगे घर में थोड़ा सा। तो दीवार में भगवान जी फोटो है उसमें, देखिए यहाँ तुलसी की पूजा कर रहे हैं घर के बाहर। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा रिशु खत्म, नाश्ता खत्म, अब रिशु को चलते हैं लेके बाजार आज, क्योंकि छुट्टी है तो सोचे थोड़ा घुमा दे और कुछ मार्केटिंग भी कर ले। इसको देखिए कैसे देख रहा है, हंस रहा है, कैमरा देख, गाल निकल रहा, छोड़ दो। तब चलते हैं रिशु को लेके मार्केट, तेली मिल्क। तो हम लोग जा रहे हैं, देखिए रास्ते में हैं और जा रहे हैं, क्या लेने रिशु, सामान सामान और रिशु के खाने वाला फेवरेट चीज़ लाने जा रहे हैं, जो कि घर में बनाएंगे और दिखाएंगे क्या लेके आ रहे हैं, बैक कैमरा से क्या लेके आएंगे वो भी दिखाएंगे। क्या रिशु, ये आईएनडी क्या होता है? ए यार तुम इतना सवाल जब हमसे मत किया करो, बहुत सवाल करता है, हम जवाब दे नहीं पाते इसका। देखिए यहाँ पे धूप कितना है और देखिए इधर भी मौसम कितना साफ दिख रहा है, मौसम पूरा क्लीन है। क्या आ गए चिकन दुकान में, चिकन लेने रिशु को, रिशु का ये फेवरेट है चिकन। क्या रिशु, देखो फिश अभी यहाँ महंगा है और मिल नहीं रहा है, जिसके कारण से पूरा दुकान खाली दिख रहा है। और देखो रिशु का आ गया, रिशु का चिकन आ गया, देखिए चिकन दुकान का चिकन रिशु के रेडी हो रहा है। हम लोग मार्केट करके रिशु क्या लिया है बिस्कुट, और मैं भी इधर चिकन ले लिया हूँ, साथ में धनिया पाउडर और इसके अंदर का मसाला। तो अभी देखिए यही पहाड़ पे हम लोग चढ़ के भी हम लोग ऊपर जाना है इतने हाइट पर अभी, तो थोड़ा रिशु बाबू रेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग चल के जाएंगे इसके ऊपर पहाड़ पर। चलिए रिशु ऊपर ऊपर बैठेंगे बेटा, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, आज नया स्टाइल में कुछ चिकन बनेगा, रीना जी बनाएंगे। और क्या है, सुबह से हम लोग का लाइट भी नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, तो थोड़ा वीडियो बनाने में आज हम लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि अंधेरा पूरा रहेगा और मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बनाना है। हम लोग ब्लॉग पे बने रहिए। गर्मी में चल के हम लोग आ गए, रिशु भी क्या खा रहे हैं, चॉकलेट, बहुत गर्मी लग रहा है, अब घर में बनाने की तैयारी चलेगा। और लाइट ये भी आ गया है, सुबह से लाइन नहीं था, इसलिए मसाला, इसलिए लाइन दो आपको जाने के बाद फिर से ले गया। अच्छा, इसलिए पहले तैयारी में लगे हुए हैं।
प्याज जल्दी जल्दी काट, मतलब पीस रहे हैं। कौन स्टाइल में बनेगा, राजस्थानी की, बिहारी की, नेपाली? आज नॉर्मल बनाएंगे, आज कोई स्टाइल नहीं, आज बस चिकन कोसा बनवा। चिकन कोसा सब लोग ब्लॉग बने रहिएगा, तब तक हम जाके फ्रेश हो लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी चिकन बनाने के पहले हम पापड़ छान रहे हैं। देखिए पापड़ इधर कढ़ाई भी चढ़ाए हैं, क्योंकि चिकन बनने के बाद पूरा गैस जो है पूरा पोछना पड़ेगा, तो इसी के लिए हम पहले ही बना के निकाल दे रहे हैं पापड़। उसके बाद चिकन के लिए सब रेडी करके रखे हैं। देखिए अदरक लहसुन का कूच के रखे हैं, और प्याज है, तेजपत्ता है, जीरा है, इधर मसाला है, तो सब कुछ रेडी किए हैं। बाबू सोया हुआ है, तो फटाफट से बना लेते हैं। पहले पापड़ छान लेते हैं, उसके बाद तेल भी गर्म हो गया। चिकन के साथ सलाद या पापड़ ही अच्छा लगता है, तो आज पापड़ छान रहे हैं। फिर कल से छानना बंद, 9 दिन हम लोग का में कढ़ाई भी नहीं चढ़ता है। जी चिकन तैयारी कर लिए है, और इधर रेडी भी है। देखिए बेसिन में अभी धो रहे हैं। देखिए पापड़ भी छान के रख लिए, तो हम इसीलिए चिकन में हाथ लगाए हैं अभी। पोल्ट्री फार्म का है, देसी नहीं है। क्या है, क्या? बाल नहीं, वो पंख का है। और आज हम लोग का यही बनेगा, क्योंकि फिर दो दिन बाद से खाने नहीं बनेगा ना, नवरात्र चढ़ जाएगा। रिशु भी बार बार बोला था चिकन, रिशु मेन तंग कर रहा था दिन, क्योंकि मटर का सब्जी बनाया है, तो बोलता है कि चिकन बना रहे हैं क्या, चिकन जैसा स्मेल हो रहा है, इसलिए चिकन का रिशु के लिए स्पेशल आया। देखिए लेग पीस वो चिकन में कुछ खाता नहीं है, बस ये लेग पीस खाता है। देने से दूसरा पीस थोड़ा बहुत खाएगा तो छोड़ देता है, ज़्यादातर छोड़ ही देता है, इसलिए आज लेग पीस रिशु के लेके आए हैं। नहीं, हमेशा आता है, चाचा भी लेके आते हैं, उसके छोटे पापा भी। उसका लेग पीस मतलब शुरू से फेवरेट है, लेके आते हैं। अरे अभी देखिए वो रूम में क्या कर रहा है, पढ़ाई करने बोल रहे तो जाके मोबाइल चला रहा है। इतना बदमाश है कि बोलिए मत, पूछिए मत। सॉरी, तो अभी रीना जी दिखाएंगे अपने स्टाइल में जो बनाते हैं, वो थोड़ा सा नहीं, वो तो हम हमेशा दिखाएंगे। हाँ दिखाएं, लेकिन अपने स्टाइल पति देव छुट्टी पे है, तो आज पति देव का क्या काम है वो आप लोग को दिखाएं। मेरा क्या काम है, बहुत काम है, अभी स्कूल लेके आए, खाना है, घर का काम है, बच्चे को पकड़ना है। बाहर में वो हम लोग का आज घर में बहुत मूस हो गया है, उसका इलाज करना है आज। उसका पिंजरा है, उसको बना के लगाएंगे आज। है ठीक ही, लेकिन पता नहीं वो मतलब खा के निकल जाता है, फंसता ही नहीं उसमें, फंसता ही नहीं। इसलिए आज मूस का इलाज करना है। बारिश के मौसम में सांप भी बहुत आ रही है मेन बाहर में, क्या है ना, हम लोग का पूरा जंगल ही ना, पूरा जंगल है, इसके चलते। तो फ्रेंड देखिए, आप चिकन बनाने के लिए इधर धो दिए, चिकन धो लिए हैं, और अब इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिए। देखिए गैस ऑन है, और अब तेल डालते हैं इसमें, सरसों का तेल। तो ये देखिए सरसों का तेल है, इसमें डालते हैं। तेल डाल दिए, और अभी बाबू भी सोकर उठ गया है, इसलिए थोड़ा आवाज़ निकाल के बोल रहा है। बाबू सोया रहता है तो थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, वरना वो उठ जाता है, और काम भी बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल उठ गया है, और बाहर दादाजी का गोद में है, और बाहर का मौसम तो आप लोगों को दिखा ही दिए हैं मेरे पति देव जी की, आज धूप निकला है, और आज सुबह सुबह ढेर सारा कपड़ा भी हो गया था, तो सब धोए हैं। एक्चुअली नवरात्रि के लिए सब पूरा घर वगैरह सब साफ़ किए हैं, एक्चुअली साफ़ किए क्या, एक हफ्ता से साफ चल ही रहा है पूरा, धोना पीसना, और इधर सब मतलब होता है नवरात्रि में घर वगैरह नहीं चढ़ाता है, तो इसी के लिए सब साफ़ सुथरा सब कर दिए हैं। और अभी आगे रूम का कुछ और साफ करना बाकी है, जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा। कल स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि, और कल मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे झाड़ा वगैरह सब खत्म हो गया, बस कुछ कपड़ा है जो धोना है, जो कि कल धो देंगे तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और कल से पूजा पाठ मतलब परसों से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगा, परसों मतलब कल सब धो धा देंगे तो परसों से
पूरा घर साफ, इसीलिए आज दो दिन पहले आज चिकन बना रहे हैं ताकि पहले खा पी के सब धोधा के साफ सुथरा कर लें। ये रिशु का बहुत डिमांड था चिकन के लिए क्योंकि तंग किया हुआ था। मटर का सब्जी बनाई तो बोलता है कि चिकन बन रहा है क्या, और करेले का सब्जी बनाई तो उसमें भी बोलता है चिकन बना रहे हैं क्या। उसे चिकन ज़्यादा मतलब खाता नहीं है, लेकिन किसी खाता है लेकिन उसको चाहिए। तो आज इनका छुट्टी भी है इसलिए सब लेके आए हैं, तो बना देते हैं। तो जीरा डाल दिए इसमें और ये सूखा मिर्चा है, थोड़ा सा सूखी मिर्ची है ये डाल देते हैं। तेज पत्ता, बे लीव्स, लाल होने देते हैं, उसके बाद चिकन वगैरह डालेंगे। आज खाना स्पेशल है, मतलब चिकन, चावल और पापड़। ज़्यादातर तो सलाद बना देते हैं लेकिन आज पापड़ छाने, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग का छानना भी बंद हो जाएगा, छानना गाना जो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आज ये बना रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग से बने रहिए, इधर देखिए पति देव जी क्या रेडी कर रहे हैं। बाहर पिंजरे खराब है, उसको बनाएंगे अभी। अरे ये चिकना बन गया, दाढ़ी बना के दो दिन हो गया, इतना पक गया तो गुटा ही से लगते हैं। तो फ्रेंड अभी हम इसमें चिकन डाल दिए हैं छौंक के, देखिए। तो इसको अभी भुंजाने देते हैं, तब तक ले चलते हैं बाहर, बाबू को थोड़ा देर लेते हैं क्योंकि उसको कर उठा है तो खिन खिन कर रहा है, तो जा रहे अभी उसको थोड़ा ले लेते हैं। और इसको भी बाहर खेल रहा है, धूप चला गया लगता है ना। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए सानू सो के उठ गया है और मेरे गोद में आ गया है, हंस रहा है, कैमरा देख के बहुत खुश, बहुत खुश। और अभी इसको फुल फुल कपड़ा पहनाने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ठंडी आ गई है। हाँ, सुबह और शाम ठंड लगती है, इसीलिए इसको पहना दीश। तो इसीलिए इसको ठंड का कपड़ा पहनाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि सुबह शाम ठंड लगती है, ठंड आ ही गई है इधर। बाकी दिन में बिना फैन का भी सो सकते हैं और रात को तो कंबल का ही जरूरत पड़ता है बिना फैन के। तो यहाँ फिलहाल ठंडी आ गई। देखे तो, देखे तो, हाय बोल दो, हाय हाय। डिम्पल कितना अच्छा होता है ना बेटू। तो फ्रेंड अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा ये बनाया ख़त्म हो गया, और यहाँ देखिए कितना सुंदर दिख रहा है देखने में, और धनिया पत्ता भी ऊपर से आज डाल दिए हैं। तो मेरा गैस भी ऑफ हो गया है, देखिए ये पूरी तरह से बन के हो गया रेडी। और चावल में खाना है इसी के लिए मैं हल्का तरी रखी हूँ, देखिए लेकिन गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो ये हो गया बन के रेडी, और मैं इधर रिशु के लिए भी निकाल दी हूँ क्योंकि ठंडा होगा और खाने के लिए बहुत जिद कर रहा है, तो उसका लेग पीस निकाल दी हूँ, और एक लेग पीस था जो थोड़ा टूटा हुआ था तो उसको भी निकाल दी हूँ। तो देखिए अब जा रही हूँ खिलाने रिशु को, और उधर बाबू देखिए कितना अच्छा से खेल रहा है अभी, एकदम मूड फ्रेश है, खा लिया सामने भी चावल। अभी चिकन वगैरह कुछ नहीं खाता है अभी, नॉनवेज उसको नहीं खिलाए हूँ, एक साल का हो जाएगा फिर उसको खिलाऊंगी नॉनवेज। तो रीना जी देखिए खाना बना दिए सभी के लिए, ये देखिए और निकल भी रहा है उधर, पापा के लिए, मेरे लिए, बहुत अच्छा, और बाबू के लिए चिकन का खुशबू आ रहा है। क्या है? बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है चिकन का। तो अभी हम लोग खाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। रिशु को निकाले थे लेकिन ठंडा हो रहा था, ठंडा हो गया, रिशु का भी निकल गया। इधर इनका है, पापा का है, माँ बाद में खाएगी क्योंकि बाबू को ली है। हाँ बाबू को ली है, तो हम रिशु को भी खिला देंगे क्योंकि अपने से नहीं खा पाए, और नवरात्रि के पहले कौन कौन खाए हैं
मतलब खाए हैं क्या, नॉनवेज का कौन कौन सेवन किए हैं कमेंट करके बताइएगा। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, लग रहा है अच्छा, और देखने में लाजवाब। धनिया पत्ता के साथ चिकन बना है, पोल्ट्री फार्म का चिकन है। देखिए रीना जी मेरे लिए खाना निकाल दिए, और रिशु आ जा तुम भी बेटा, इसी चटाई पे बैठ के खाएंगे। हाँ, क्योंकि ठंडा है, ठंड है मौसम। और इधर सभी के लिए निकल रहा है, तो देखिए अभी खाना खा रहे हैं। ग्रेवी वाला चिकन है, बहुत अच्छा। हाँ, चिकन कसा बोले थे लेकिन ग्रेवी वाला बनाए क्योंकि चावल में खाना है ना। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगता है तो रुको, तो कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एंड टेक केयर।